अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। वेलकम बैक हो गया है आपका एन अदर व्लॉग में। तो भाई अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो भाई, और बेल आइकन को भी लाजमी दबाया करो। अच्छा और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर लाजमी किया करो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। तो यार ये 2 से 3 दिन के बाद मैंने व्लॉग अपलोड किया है क्योंकि एक आधी प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से व्लॉग मैं बना नहीं पा रहा था, तो आज फाइनली व्लॉग अपलोड करने लगे हैं। तो आप लोगों को पता है यार कि मैं उठ जाता हूँ जल्दी, चल झूठा, जैसे कि आज उठ गया हूँ, कोई 1:30 बजे का टाइम है। तो अब ये है कि जोहर का टाइम है, जोहर की नमाज़ पढ़नी है आज। यार छोटी मोटी सी शॉपिंग करनी है। शॉपिंग ये है कि यार एक तो ट्राउज़र्स लेकर आने हैं अपने लिए, ट्राउज़र्स और 2-4 टी शर्ट्स लेकर आनी है। तो हम लोग पहले तो मैं जो है वो हमदा भाई को पकड़ूंगा हमदा भाई की फ्लैट से, उसके बाद फिर हम जाएंगे आगे क्योंकि हमदा भाई ने भी अपने लिए चीज़ें लेनी हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं नमाज, नमाज के बाद फिर हम कोई रोटी छोटी खाते हैं, रोटी छोटी खा के थोड़ा सा मौसम जो है वो बेहतर होता है क्योंकि आज इंतहाई कोई गंदा मौसम हो रहा है, धूप बहुत तेज़ हो रही है और हब्स हुआ हुआ है। तो हम थोड़ा सा ठंडे टाइम निकलेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि असर की नमाज़ जो है वो पढ़ के फिर हम लोग घर से निकलें, हम लोग मतलब सिर्फ मैं। अच्छा तो यार जोहर का टाइम है, जोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, जोहर की नमाज़ पढ़ के फिर कोई खाना शाना खाएंगे, खाना शाना खा के थोड़ी सी गेम शेम खेलेंगे, गेम शेम खेल के मौसम कोई थोड़ा सा बेहतर होगा तो फिर हम हमदा भाई से रब्ता कर लेंगे। हमदा भाई से रब्ता करके फिर उनको पकड़ेंगे फ्लैट से, उनके उनके फ्लैट से पकड़ने के बाद उन्हें हम लेके जाएंगे आगे क्योंकि उन्होंने भी 2-4 चीज़ें लेनी थी। उठते साथ ही मैंने हमदा भाई को कॉल की थी, मैंने कहा यार कोई पार्टनर हो ना साथ तो फिर बंदा ज़रा सुकून से जाता है, इन्जॉय करते हुआ जाता है, बातें शातें करता हुआ जाता है। तो हमदा भाई से मैंने रब्ता किया, हमदा भाई मुझे कहते कि भाई व्लॉग अगर तू बनाएगा तो मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, अगर तू व्लॉग बना रहा होगा तो मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, अगर तू व्लॉग नहीं बनाएगा तो जाऊंगा। मैंने कहा यार अच्छा अब मैं आपको वीडियो में नहीं लेकर आऊँगा, चल झूठा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उन्हें लेकर आए थोड़ी सी वीडियो में। ये देख रहे हो ये सादी साहब के काम है, उन्होंने मुझे मारा है रात में, नाखून बड़ा हैवी, वो भी पाँव का नाखून मारा है। तो कोई नहीं, मिर्चें तो बड़ी लग रही हैं अभी इस टाइम, लेकिन कोई नहीं ठीक हो जाएगा, ये छोटा सा है। तो यार अब हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद फिर आपसे मिलते हैं खाना शाना खा के। 3 hours later तो यार फाइनली जल्दी बोल कल असर की नमाज भी पढ़ ली है, तकरीबन वही 5:45 का टाइम हो रहा है, अब बस निकलने का मूड बनाते हैं। मौसम बाहर का जो है वो मुनासिब सा हो गया है, हवा शवा जो है वो हल्की फुल्की चल रही है, तो बस कपड़े शपड़े चेंज करते हैं। कपड़े यार बस शर्ट चेंज करते हैं, ये मैंने कल भी पहनी हुई थी तो यही पहन लेते हैं आज भी दोबारा, क्यों किसी खास मिशन पर थोड़ी जा रहे हैं, बस कपड़े ही लेने जा रहे हैं ना। तो निकलते हैं, बस शेक बन रहा है, शेक पीते हैं उसके बाद निकलते हैं बाहर। हमदा भाई की यार अभी कॉल आई थी, हमदा भाई अभी ऑफिस से निकल रहे हैं, निकलेंगे उन्हें भी तकरीबन 20-25 मिनट को मस्ट है ना, तो तब तक फिर हम लोग शेक पीते हैं, हम नहीं बस मैं, तो मैं शेक पीता हूँ, शेक पी के शर्ट पहनते हैं, शर्ट पहन के निकलते हैं बाहर। 20 minutes later तो यार शर्ट मैंने पहन ली है, अब निकलते हैं हमदा भाई के पास उनके फ्लैट पे, वो भी पहुंच चुके होंगे फ्लैट पे, वेट कर रहे होंगे मेरा। तो इससे पहले कि उनकी कॉल आए मैं पहुंचता हूं उनके पास। A few minutes later A few moments later तो भाई हमदा भाई के पास हम पहुंच चुके हैं तकरीबन, बस वो निकल रहा होगा फ्लैट के फ्लैट में से। तो भाई ये बंदा फ्लैट से निकल गया, अब बस निकलते हैं यार आगे। 15 minutes later यार मैं चल रहा हूँ तेरा भाई। One hour later यार कपड़े जो है वो हमने पकड़ लिए हैं, अब जा रहे हैं सलमान के पास रोटी छोटी खाने। सलमान जो कि मेरा कलीग भी था और बहुत अच्छा दोस्त भी था,
लेकिन अब इससे हम खाना खाने जा रहे हैं तो इसका पता लग जाएगा कि हमें रोटी शोटी खिलाता है कि नहीं खिलाता। हाँ हम तो भाई खिलाएगा रोटी है खिलाएगा तो बिल्कुल बना। अभी तो कह रहा था नहीं खिलाएगा। मैं तो नहीं कहा था। नहीं वो कह रहा था कि अमेरिकन सिस्टम करेंगे। नहीं 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 यार वो खुद खिला देगा। वैसे मजाक कर रहा था खा देगा। मुझे तो नहीं लग रहा। अच्छा बंदा खा कह रहा था कि मैंने पहले खिला दी थी अब नहीं खिलाऊंगा। नहीं खा देगा। चले देख लेते हैं पहुंच गए। A few moments later. तो भाई फाइनली खाना शाना जो है वो मंगवा लिया है। चपली कबाब मंगवाए हैं। तब तक हम बातें शातें करते हैं इनसे। A few minutes later. तो भाई रोटी छोटी आ गई। रोटी छोटी बांटते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे। आप खिला रहे हो ना। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हमसे भाई आइसक्रीम भाई मेरी तरफ से। ये आप खिला रहे हो आइसक्रीम मेरी तरफ से और उसकी ये जो चपली कबाब और ये मजेदार चटनी जो है रोटी। हमसे भाई हमारे फूड ये हमसे भाई आप खिला रहे हैं। मैं नहीं दूंगा पैसे। फूड साहब खिला रहे हैं इनको। इनके नाम से हम ले रहे हैं इनको। भाई से भी भाई हमें मार है सही बात है। उसने हमें खिला दिया था पहले। अब बाप खिला रहे हैं। पहली फुर्सत में निकल मजरी का खिलाया था। हम भी खा के बताओ कैसा है। मजेदार मजेदार। अच्छा बोतल मंगवा के बोतल पानी मंगवाया खाना स्टार्ट हो गया। तो खाना शाना खा के यार अभी ये आइसक्रीम खाने आए हैं हमजा भाई के पल्ले से। आइसक्रीम खा के घर निकलते हैं हमजा भाई को छोड़ के। One hour later. तो यार फाइनली घर आ चुके हैं। घर आकर अब जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 12 बज रहे हैं और इशा की नमाज़ भी रहती है मेरी। इशा की नमाज़ भी पढ़नी है। वज़ू मैंने कर लिया है। फ्रेश हो गया हूँ नमाज़ पढ़ के। नमाज़ पढ़ के यार फिर सोने सोने का कोई प्रोग्राम करते हैं। चल झूठा। खाना शाना तो खाए थे। खाना मुझे सलमान ने खिलाया। मुझे नहीं मतलब सबको सलमान ने खिलाया और आइसक्रीम जो थी वो हमजा भाई ने खिलाई थी। तो हालांकि डील ये हुई थी कि खाना जो है वो सलमान खिलाएगा और आइसक्रीम जो है वो मैं खिलाऊंगा। लेकिन वहां जाके जो है वो सब कुछ चेंज हो गया। तो वहां जाके सब चेंज हो गया। वहां जाके खाना जो है वो सलमान ने खिलाया और आइसक्रीम जो थी वो हमजा भाई ने खिलाई। तो हम अब ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वैसे तो चीज़ें चूज़ें जो ब्लॉग बना था चीज़ें चूज़ें जो थीं वो मैं जो लेने गया था पेंट्स वगैरह शर्ट्स वगैरह और ट्राउज़र्स वगैरह वो मैं ले चुका था वहाँ पे। पहले आउटफिटर गया फिर ब्रेकआउट गया। उन्होंने वीडियो हमें बनाने नहीं दी क्योंकि गजब बेइज्जती है। उनके जो आर्टिकल्स होते हैं वो शायद कॉन्फिडेंशियल होते हैं तो इस वजह से उन्होंने वीडियो नहीं बनाने दी हमें अंदर। लेकिन मैंने कोशिश की थी ट्राई रूम में जाके वीडियो बनाई लेकिन कोई नहीं वो देखना लाजमी नहीं था। बहरहाल
हम ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और जाते जाते रिक्वेस्ट दोबारा करके जा रहा हूँ कि मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, और मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करो, देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते तो लाइक करके जाना। तो आज के लिए दो ज़्यादा, इंशाल्लाह कल आपसे नए ब्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।